A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में. सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूँ. तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है. तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली मुझसे कमेंट करके यही एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे डिटेल में बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है. फिर इसके बाद मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम का पेपर सॉल्व करने के लिए इस बार आप लोगों को कितना टाइम मिलेगा. यानी जो 2021 का एंट्रेंस एग्जाम होगा आप लोगों का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा यह भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. फिर इसके बाद मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इस बार 2021 में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. फिर इसके बाद आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस बार 2021 में कट ऑफ कितनी हो सकती है और आपके लिए सेफ स्कोर कितना होगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या बुक से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है. फिर लास्ट में ये बताऊंगा कि इस समय आप लोगों को अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए. तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है. वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहां पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी. तो चलिए हम यहां पे सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार सभी ग्रुप्स का पेपर जो होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो ऑनलाइन होने वाला है. ग्रुप ए वालों का पेपर भी इस बार ऑनलाइन होगा. मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, ठीक है. तो देखिए ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही है. तो अभी मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में बता दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए ऑनलाइन एग्जाम आपका इजी होता है. मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है. जैसे मान लीजिए आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने गए, ठीक है. जिस दिन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम सेंटर में, तो वहां पे आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा, ठीक है. और कंप्यूटर सिस्टम में ही आपके क्वेश्चंस आएंगे एक एक करके. देखिए टोटल आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है. टोटल जो आपका पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है, ठीक है. तो जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा, वहीं पे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और एक एक करके आपके क्वेश्चंस आएंगे. ध्यान रखिएगा एक ही बार में आपको टोटल 100 क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे. पेपर आपका ऑफलाइन नहीं है. पहले क्या होता था, पेपर ऑफलाइन होता था, आप लोगों को पेपर मिल जाता था और आप वहां पे पूरा पूरा पेपर देख पाते थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक. लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा नहीं होता. जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एक एक करके 100 तक आपका क्वेश्चन आएगा. देखिए आप चाहें तो क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं. वहां पे नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आपको मिलेगा, एक जिसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं, तीसरा देख सकते हैं. लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपका स्टार्ट होगा वहीं से आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा. आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक पहले चेक करें कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है. अगर ऐसे चेक करेंगे ना तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा. सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आप
का होगा, ठीक है। जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आप लोगों का होने वाला है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एंट्रेंस एग्जाम का पेपर सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कितना समय मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं इस बार आप लोगों का टाइम कम कर दिया गया है, आप लोगों को 2 घंटे और 30 मिनट का समय ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था 2020 तक ये रूल था कि पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होता था और आप लोगों को 3 घंटे का समय मिलता था पेपर सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट ही आपको मिलेंगे, पेपर ऑनलाइन होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही होंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे कोई कमी नहीं की गई है, 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो समय था समय को कम कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने आपको ऊपर ये बताया कि आप क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 100 तक आप चेक नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, कि पहले पहला क्वेश्चन देखा फिर दूसरा देखा, ऐसे आप चेक करेंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, आप वहीं से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और देखिए आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप लोगों को निगेटिव मार्किंग का पैटर्न नहीं पता है, निगेटिव मार्किंग कैसे होती है ये आपको नहीं पता है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर ऐसे आपके क्वेश्चन एक एक करके आते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, वो फिजिक्स का हो सकता है, वो केमिस्ट्री का हो सकता है, वो मैथमेटिक्स का हो सकता है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तीन ही सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका फिजिक्स से आ जाए या फिर केमिस्ट्री से या फिर मैथमेटिक्स से, तो वो तो जैसे आपका पेपर होगा वैसे आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पे पैटर्न हो गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका टाइमर चलता रहता है, ठीक है, टाइमर जो होता है वो चलता रहता है, आपको अलग से घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे 2 घंटे और 30 मिनट का आपका पेपर है ना, तो वहां पे टाइमिंग आपकी चलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा कि कितना समय बीत रहा है, तो यहाँ पे आपको अलग से घड़ी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम पेपर कैसे देंगे, ऑनलाइन पेपर दिया कैसे जाता है, तो देखिए जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे ना, जहां पे आपका एग्जाम सेंटर होगा वहां पे आपको एक एक चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आपको आंसर करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही आएगा, आपको आंसर कैसे करना है ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो आपको वहां पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीजें आपको बताई जाएंगी। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यह आपको बता दूं कि जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होगा उसके एक हफ्ते पहले, ठीक है, एक हफ्ते पहले यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट आएगा। क्या आएगा? एक मॉक टेस्ट आएगा। ये मॉक टेस्ट इसलिए आएगा ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट आएगा एंट्रेंस एग्जाम के एक हफ्ते पहले। जब मॉक टेस्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और जब आप मॉक टेस्ट एक बार दे देंगे ना आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा एक कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। और ये मॉक टेस्ट इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस बार ग्रुप ए वालों का पेपर पहली बार यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है, स्टूडेंट्स को पता नहीं है कैसे पेपर देना है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, वेबसाइट पे आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और मॉक टेस्ट कैसे दिया जाएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ऑनलाइन एग्जाम को लेकर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और देखिए ऑनलाइन एग्जाम में आपका कई फायदा भी यहाँ पे होने वाला है। पहले क्या होता था, OMR सिस्टम से आप लोगों का पेपर होता था ऑफलाइन, एक बार जो आप आंसर कर देते थे वो आप बदल नहीं सकते थे। OMR में क्या होता था, वहां पे एक सर्कल होता था, वहां पे आप उसको कलर करते थे, ऐसे आंसर करते थे, तो एक बार जो आंसर कर दिया आप उसे बदल नहीं सकते थे। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में ये आपका फायदा होगा, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, आपको लगा कि ये आंसर सही होगा, आपने कर दिया, ठीक है, फिर बाद में आपको ये याद आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत कर दिया, ये नहीं दूसरा होना चाहिए था, तो आप यहां पे बैक जाके, बैक का ऑप्शन आपको मिलेगा, बैक जाके उस क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका यहां पे फायदा भी हो जाएगा। तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम में आपका कोई नुकसान होने नहीं
कोई नुकसान होने नहीं वाला, आपका फायदा ही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जब मॉक टेस्ट आएगा ना तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक एक पॉइंट यहां पे बता दिया है। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन होगा ऑनलाइन एग्जाम को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि मॉक टेस्ट आप लोगों का पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा और वहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम देना है, ठीक है। और एग्जाम सेंटर पे भी आपको बताया जाएगा, और मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट था कि एंट्रेंस एग्जाम का पेपर सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कितना समय मिलेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 घंटे और 30 मिनट का समय ही इस बार आपको मिलने वाला है। समय को कम कर दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 ही होंगे, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं की गई है, ठीक है। तो यहां पे आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी ताकि आप अच्छे से आंसर्स को कर पाए, जल्दी जल्दी कर पाए टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये यहां पे हो गया। फिर इसके बाद यहां पे तीसरा पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कि इस बार 2021 में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कमेंट करके मुझसे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जो ग्रुप ए का पेपर हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है 50 क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिक्स के होते हैं, और यहां पर 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के और 25 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होते हैं, यानी साइंस में मिला के टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन में से आपको कम से कम यहां पे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके सिलेबस के बाहर से आते हैं, ठीक है। यानी हर एक साल ऐसा होता है, आप चेक कर लीजिएगा, 2019 का पेपर चेक कर लीजिए, 2020 का पेपर चेक कर लीजिए, आपको यहां पे 10 से या 15 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिलते हैं। देखिए ग्रुप ए का सिलेबस क्या होता है, ग्रुप ए में आपको यह बताया गया है कि 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन क्या होता है 10th लेवल के अलावा आप लोगों से 12th लेवल के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो 12th लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाता हूं। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तो वहां पे मैंने 12th लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। पहले कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस सिलेबस देखने को मिलेंगे, और आए भी थे, और मैंने करवाया हुआ था। ये अच्छी बात थी कि मैंने करवाया था और स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस मिल गए थे। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आउट ऑफ दिस सिलेबस पहली बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखिए एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि जो पढ़ रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए आपके पेपर की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, ठीक है। अब देखिए पेपर जो बना रहा है उसी को पता होगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता होता है। देखिए मैं आपको पढ़ा सकता हूं, हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, देखिए जैसे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे आते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बुक में आपके जो क्वेश्चन दिया होता, जो आपके सिलेबस में होता है, वही आपको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई पेपर की गारंटी ले ले। अगर कोई टीचर, ध्यान रखिएगा मैं आपको यहां पे सच्चाई बता रहा हूं, अगर कोई टीचर आपके पेपर की गारंटी ले रहा है, वो कह रहा है कि मुझसे आके पढ़िए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि कोई भी टीचर यहां पे पेपर की गारंटी नहीं ले सकता है। यहां पे ये मैं बोल सकता हूं कि हां ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, ये बोला जा सकता है, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो पेपर की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस वो यही सुनना चाहते हैं कि कोई टीचर उनके पेपर की गारंटी ले ले कि हां यही आएगा, यही पढ़ लो, हो जाएगा आपका। तो ऐसे नहीं होता, आपको अच्छे से मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही उसको पढ़िए, जो आपके पास बुक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो जो बुक में है आप उसको पढ़िए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो अलग से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस कुछ क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसीलिए मैं आपको अलग से भी क्वेश्चंस करवा देता हूं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपसे यह कहता है कि मैं आपके पेपर की पूरी गारंटी ले रहा हूं, आइए मुझसे पढ़िए आपका सिलेक्शन
100% हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये आपको पता चलेगा 3 महीने 2 महीने बाद जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो ऐसे किसी बातों में आपको नहीं आना है, आपको क्या करना है, केवल और केवल स्टडी करनी है और हार्ड वर्क करना है। अगर अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर पाएंगे। देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, देखिए अभी मैंने नीचे एक टॉपिक यहां पे लिखा हुआ है कि क्या बुक से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो मैं आपको बता दूं हां आपके एंट्रेंस एग्जाम में बुक से क्वेश्चंस आते हैं और खासकर अरिहंत की बुक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, और इसके अलावा एक दो बुक्स और हैं वहां से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे पास 3 से 4 बुक्स अवेलेबल हैं। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं तो सभी बुक के क्वेश्चंस को मैं मिक्स कर देता हूं ताकि अगर किसी दूसरी बुक से कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन देखिए इस बार कंडीशन चेंज हो चुकी है क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो क्वेश्चंस यहां पे आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, बुक के क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस ही पूरा पेपर आ जाएगा। देखिए जैसे अरिहंत की बुक में आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह नहीं कि जो बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम वही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाए, ऐसा इस बार होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसे बुक में आपका कोई क्वेश्चन है उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, यह यहां पर हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अरिहंत की बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मैथमेटिक्स में खासकर, उनको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम्पल्स बहुत पूछे आते हैं। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर जितनी बातें मैंने बताई थी स्टूडेंट्स को सबने फॉलो की थी और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूं एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और रही बात गारंटी की, तो गारंटी लेने का काम कोई नहीं कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लाइफ की कोई गारंटी है तो क्या आप अपने लाइफ की कोई गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अगर कोई टीचर गारंटी दे रहा है इसका मतलब आपको 100% वो बेवकूफ बना रहा है। जो पेपर बनाता है उसी को पेपर पता होता है कि पेपर क्या आ सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस यहां पे क्या करते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख के लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसी बेसिस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं और क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे 2020 में हुआ था मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले थे जो मैंने करवाए हुए थे। और मैं आपको बता दूं मैंने आप लोगों का जो सिलेबस है आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को मिलाकर आधे से ज्यादा सिलेबस मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। कुछ ही चैप्टर्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द पढ़ा दूंगा और आपका सिलेबस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरे चैनल पर, वो जाएंगे चैनल पर और 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे सभी सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की, वहां पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो आपके पेपर के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, आपको ध्यान रखना है जो आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है और हो सकता है कि बुक में जो क्वेश्चन आपका लिखा हो सेम वही आ जाए। देखिए क्या हुआ था, एक बार 2018 का पेपर चेक कीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर अरिहंत की बुक से दे दिया गया था। पेपर आप लोगों के पास होगा प्रीवियस ईयर वाला, चेक कर लीजिएगा, 2018 का पेपर लीजिएगा, अरिहंत की बुक लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जांपल्स के पूछे गए थे ये भी चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए अगर आप अरिहंत की बुक से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए और खासकर एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर बुक से क्वेश्चन नहीं आया अरिहंत की बुक से तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। संख्याएं बदल दी जाती हैं न्यूमेरिकल्स में, ऑप्शंस चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका वही रहेगा ना, तो कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए पेपर ना आपका ज्यादा इजी आएगा और ना ज्यादा हाई लेवल का, मॉडरेट लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद यहां पे आता है एक टॉपिक कि इस बार 2021 में कट ऑफ कितनी हो सकती है और आपके लिए सेफ स्कोर कितना होगा।
तो कट ऑफ पे हम बाद में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सेफ स्कोर बता देता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच से हो, तो आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए? आपको अपना टारगेट यहाँ पे 240 की समथिंग रखना होगा, 240 या फिर 240 प्लस का भी टारगेट आप रख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। देखिए एंट्रेंस एग्जाम में देखिए आपकी कट ऑफ जो होती है वो अप डाउन होती रहती है, तो आप कट ऑफ पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना टारगेट यहाँ पे 240 के समथिंग रखना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कमेंट करके बोलेंगे कि मेरा तो 100 नंबर में ही एडमिशन हो गया, कोई बोलेगा मेरा 110 नंबर पे एडमिशन हो गया। देखिए पॉलिटेक्निक करना ये बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि पॉलिटेक्निक आप किस ब्रांच से कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक में सारा खेल यहाँ पे ब्रांच का होता है। अगर आपने ब्रांच अच्छी चूज नहीं की, अच्छी ब्रांच नहीं सेलेक्ट की, तो आपके पॉलिटेक्निक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ग्रुप ए में क्या होता है, 3 साल का आपका पूरा ड्यूरेशन होता है, 3 साल का पूरा कोर्स होता है। तो अगर अच्छी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, आगे चल के आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, तो आपको यहाँ पे ब्रांच पे फोकस करना होगा कि कौन सी ब्रांच आप ले रहे हैं। और अगर ब्रांच ही आप लोगों ने गलत ले ली है तो फिर आपके पॉलिटेक्निक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, 3 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि मेरा 100 नंबर में हो गया, 200-150 नंबर में हो गया। तो देखिए हो तो जाता है ठीक है, लेकिन ब्रांच फिर अच्छी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी स्टूडेंट का 100 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है तो उसको क्या मिलेगी, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जो कि इस समय अच्छी नहीं है। पॉलिटेक्निक इस ब्रांच से करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, यही ध्यान रखिएगा, आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो 100 नंबर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अगर अच्छी ब्रांच चाहिए, अच्छी ब्रांच में कौन कौन सी ब्रांचेस आती है इस समय आ रही है अच्छी ब्रांच में, ध्यान रखिएगा, एक तो सिविल की हो गई, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच हो गई, एक हो गई इलेक्ट्रिकल की ब्रांच हो गई। ये दो ब्रांचेस इस समय बेस्ट हैं, टॉप पर हैं। अगर इन दो ब्रांचेस में से आपका एडमिशन किसी भी ब्रांच में हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप आगे चल के रेलवे में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, लोको पायलट वगैरह का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल की ब्रांच लेनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सिविल के लिए लोको पायलट नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल की ब्रांच तब आपको लेनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर सिविल और इलेक्ट्रिकल इन दो ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच से आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपना टारगेट 240 प्लस का बनाना होगा। देखिए पॉलिटेक्निक सभी स्टूडेंट्स करते हैं, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला और आपको ब्रांच क्या मिली है, ब्रांच से मैटर करता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और ब्रांच ही अच्छी नहीं मिली, आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं या फिर अदर जो ब्रांचेस होती हैं ग्रुप ए में उन सब से कर रहे हैं, तो कोई फायदा आपका होने वाला है नहीं। फायदा तब होगा जब आप सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर अगर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों नहीं मिलता, लास्ट में आपको मैकेनिकल के लिए जाना है। अगर सिविल इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता तब आपको मैकेनिकल चूज करना है। अगर आपको सिविल इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो आप इन दोनों में से एक ब्रांच को सिलेक्ट कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फोकस करना है अच्छी ब्रांच पर और टारगेट आपको 240 प्लस का रखना है। 240 प्लस क्या, और भी आप मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर हमारे चैनल से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने देखिए तीन से चार स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 350 प्लस स्कोर किया हुआ था मेरे चैनल के, और इसके अलावा 300 प्लस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था और 250 प्लस तो बहुत ही ज्यादा थे। तो देखिए लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतना इतना स्कोर किया था मेरे चैनल के, तो आप यहाँ पे 240 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। अगर मेहनत करेंगे तो कर पाएंगे, और अगर अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, जो पढ़ाऊंगा उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो टारगेट आपको अपना बड़ा रखना है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छी ब्रांच से एडमिशन चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कंप्यूटर साइंस की ब्रांच कैसी होती है, तो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच भी आपकी अच्छी होती है, जैसे आपकी मर्जी, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन जो अच्छी ब्रांचेस हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और रही बात कट ऑफ की ना, तो एडमिशन तो आपका 100 नंबर में भी हो जाता है,
ठीक है, 100 नंबर में भी हो जाता है, फिर वही बात आ जाती है कि ब्रांच आपको अच्छी मिलेगी नहीं, 3 साल आप अपना क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे। तो कट ऑफ पे तो आप डिपेंड होइए मत, आपको यहाँ पे अच्छी ब्रांच पे फोकस करना है, ना कि कट ऑफ पे। और आगे आपकी मर्जी, जैसे आप पढ़ाई करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो कट ऑफ पे आप यहाँ पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, आपको अगर अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा टारगेट रखेंगे, तभी आपको एक अच्छी ब्रांच मिलेगी। ये भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छी ब्रांच के लिए ट्राई करना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है कि इस समय आप लोगों को अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। अब देखिए, कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं जो उनका सिलेक्शन नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखिए ऑनलाइन तो पढ़ते हैं, ठीक है वो अलग बात है, ऑनलाइन को छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका रिविजन भी तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप रिविजन करेंगे तभी तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो दिन भर ऑनलाइन पढ़ते हैं, सुबह कहीं और, दोपहर में कहीं और, शाम को कहीं और, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करनी होती है वो नहीं करते हैं। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये 100% रियलिटी यही है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, यही इनके लिए सबसे घातक सिद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मैं पैटर्न बता रहा हूं यहां पे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुबह ऑनलाइन कहीं और, दोपहर में कहीं और, शाम को कहीं और पढ़ते हैं, ठीक है। और जब रिवीजन का टाइम होता है वो रिवीजन नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं कि जब एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ जाएगी या फिर जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा रहेगा तब हम पढ़ेंगे, तब रिवीजन करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाते हैं। जब पेपर हो जाता है उनको ये पता चलता है कि पेपर अच्छा हुआ नहीं है हमारा और हमने अपना 1 साल यहाँ पे वेस्ट कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, और फिर वही पैटर्न वो नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो साल बर साल, मतलब साल साल बीतते हुए चले जाते हैं, यहाँ पे समय वेस्ट होता जाता है और अपना टाइम वेस्ट करते हुए चले जाते हैं। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है। यही बातें मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बताई थी, और लास्ट ईयर के जो मेरे स्टूडेंट्स थे 2020 के बैच के, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे। जो बातें मैं कहता था, एक एक बातों को वो अच्छे से सुनते थे, और इसी वजह से आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और एक अच्छी ब्रांच के साथ। तो आपको भी ध्यान रखना है, देखिए आपका पूरा फोकस अपने सेल्फ स्टडी पे भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया, वहां पे आपने पढ़ लिया, ठीक है ऑनलाइन आपने पढ़ लिया, लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया उसका रिवीजन भी तो आपको करना होगा। ये नहीं कि आप दिन भर बस ऑनलाइन ही पढ़ते रहिए और सेल्फ स्टडी आप कर नहीं रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी भी तो आपको करनी होगी। जैसे आप पहले स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, क्लास 10th में या फिर 12th में पढ़ते रहे होंगे, तो आप देखिए स्कूल में तो पढ़ाई होती हो कर ही रहे होंगे आप, और उसके अलावा आपने एक कोचिंग भी जरूर की होगी। ऐसा तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं 10th 12th में, स्कूल में जो पढ़ते हैं उसके अलावा कोचिंग भी करते हैं, और फिर जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता है जब आप घर पे आते हैं उसका रिवीजन तो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप दिन भर कोचिंग में ही भटकते रहते हैं कि यहाँ पे देखिए आप स्कूल से छूटे, आप कोचिंग गए, फिर उसके बाद दूसरी कोचिंग गए, फिर तीसरी कोचिंग गए, मतलब एक ही सब्जेक्ट आप 3-4 कोचिंग में तो पढ़ते नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये करना है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर टाइम वेस्ट कर दिया ना तो आपको बाद में पता चलेगा। देखिए आप भी रहेंगे, आपके हाथ में आपकी बुक भी रहेगी और पेन भी आपके साथ में रहेगी, लेकिन टाइम आपका फिर लौट के नहीं आएगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करेंगे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो अभी से अपने टाइम की कदर कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अगर टाइम अच्छे से आपने टाइम का यूज कर लिया तो आप एंट्रेंस एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखिए पढ़ाई कैसे करनी है मैं आपको बता दूं। देखिए एक अपना स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए, एक चैनल अपना डिसाइड कर लीजिए, जहां आपको पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक चैनल डिसाइड कर लीजिए, वहां पे अपनी ऑनलाइन स्टडी कीजिए। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या कीजिए, जो जो चीजें आपने अभी तक पढ़ ली है उसका रिवीजन एक बार डेली किया कीजिए। क्विक रिवीजन आपको करना है, एक बार जो चीजें आपने एक बार पढ़ ली है अगर आप उसका क्विक रिवीजन करेंगे ना तो वैसे ही आपको समझ में आता रहेगा। तो डेली आपको यहां पे 1 से 1.5 घंटे का समय
क्विक रिवीजन के लिए निकालना है। देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके थ्योरी बेस होते हैं, फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा ना, तो जब एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आएगा तो आप ये कहेंगे कि मैं क्वेश्चंस भूल गया, तो आपको क्विक रिवीजन करना होगा। ठीक है, ये आपको करना होगा। टाइम टेबल अपना बना लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना कितना टाइम आपको देना है, ये आप बना लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपको ये जानना है कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि यहां पे वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो यहां पे पूरा मैं एक-एक पॉइंट आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यही कुछ बातें आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बतानी थी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।